जय श्री कृष्ण दोस्तों। राजा त्रिशंकु को आकाश मार्ग में रोकने के बाद विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर सभी ऋषियों और मुनियों के समक्ष नए सप्त ऋषियों और नए नक्षत्रों का निर्माण कर डाला था। विश्वामित्र जी एक दूसरे स्वर्ग तथा दूसरे इंद्र तथा देवताओं का निर्माण करने की योजना बनाने लगे थे, तो यह देखकर देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत ही घबरा गए थे और वह सभी विश्वामित्र जी के पास आकर उनके नए स्वर्ग निर्माण को रुकवाने के लिए उनसे विनती करते हुए यह बोले कि राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, इसलिए वह सह शरीर स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, इसलिए वह सह शरीर स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मैंने राजा त्रिशंकु को सह शरीर स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने देवताओं के सामने अपनी शर्त रखते हुए यह कहा कि राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे और मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वह सदा बने रहे। यदि ऐसा होता है तो मैं नए स्वर्ग तथा देवताओं के निर्माण को रोक सकता हूँ। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर देवताओं ने उनसे कहा कि आपके द्वारा रचे हुए अनेकों नक्षत्र सदा आकाश में प्रकाशित होते रहेंगे तथा उन नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सिर किए हुए राजा त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे और स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्र जी की जीवन कथा को सुनाते हुए पुरोहित शतानंद जी ने श्री राम से कहा कि इस घटना के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में विघ्न आ पड़ा, इसलिए वह अपनी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में पुष्कर के तपोवन में चले गए थे और वहां रहकर अपनी उग्र तपस्या करने लगे थे। जिस समय विश्वामित्र जी पुष्कर के तपोवन में रहकर तपस्या कर रहे थे, उस समय अयोध्या पर राजा अम्बरीश राज्य कर रहे थे। राजा अम्बरीश एक बार यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब राजा अम्बरीश की बढ़ती हुई शक्ति से घबराकर देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया था। यज्ञ पशु के चोरी हो जाने से सभी बुरी तरह से घबराकर यज्ञ पशु की चारों दिशाओं में खोज करने लगे थे, परंतु जब उन्हें यज्ञ पशु कहीं नहीं मिला, तब पुरोहित ने राजा अम्बरीश से कहा, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता है वह राजा दोषों में घिरकर नष्ट हो जाता है, अतः या तो आप उस पशु को खोज कर लाइए, अन्यथा उसके स्थान पर किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाइए, यही इस पाप का प्रायश्चित है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।